भारत सेन की जय हो, माता की जय हो। वैष्णो देवी यात्रा शुरू की जा रही है और इनकी सबकी मनोकामना जो भी मेरे भाई बहन माताएं जो भी हमारे शहरवासी यहाँ से माता के दरबार में जा रहे हैं इनकी मनोकामना माता रानी पूरा करे। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने बुजुर्गों के लिए निशुल्क यात्रा, किसी भी तीर्थ पे जाना है तो एक बुजुर्ग प्लस एक हेल्पर वो निशुल्क है, कहीं भी जाएं रहना खाना सब यात्रा फ्री है। आज हमारे कैथल से हमारे भाई अशोक जैन और अंकुर गुप्ता की अध्यक्षता में वैष्णो देवी यात्रा शुरू की जा रही है। ये बस आज ये वैष्णो देवी जाएगी और 3 दिन बाद वैष्णो देवी कटरा होके और वापसी में अमृतसर से वापसी आएगी। तो इस उपलक्ष में हरी झंडी देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और सबसे यही मैंने अपनी अर्जी भी इन भक्तों को दी है कि मेरी भी अर्जी माता के दरबार में लगाएं और मैं भी माता रानी से यही दुआ करूँगा कि सुख शांति से यहाँ से ये जा रहे हैं और इनकी सबकी मनोकामना जो भी मेरे भाई बहन माताएं जो भी हमारे शहरवासी यहाँ से माता के दरबार में जा रहे हैं इनकी मनोकामना माता रानी पूरा करें और मेरी भी मनोकामना जो मैंने इनको अर्जी दी है वो पूरी करे। राम प्रताप गुप्ता जी, आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आम आदमी पार्टी में दिल्ली में जो बुजुर्ग हैं उनके लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा का शुभारंभ किया हुआ है, क्या मानते हैं आने वाले समय में कैथल में भी इस तरह की आयोजन किया जाएगा? देखो, दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने बुजुर्गों के लिए निःशुल्क यात्रा, किसी भी तीर्थ पे जाना है तो एक बुजुर्ग प्लस एक हेल्पर वो निःशुल्क है, कहीं भी जाएं रहना खाना सब यात्रा फ्री है। और अब पंजाब में उसी की तर्ज पे पंजाब में होने जा रहा है और आने वाला 2024 जब हमारी यहाँ सरकार पूर्ण रूप से हमारी ये जो झाड़ू है जो पूर्ण रूप से इतनी सफाई से चलेगी कि कचरा भी नहीं बचेगा। जैसे दिल्ली में तो 70 सीटों में 67 आई तो हमारे सुशील गुप्ता जी माननीय सांसद ने एक बात कही थी, भाई जब झाड़ू चलती है थोड़ा बहुत कचरा रह जाता है, 3 सीटें वो उस ढंग से रह गई थी। तो अब की बार ना झाड़ू भी बहुत अच्छे बहुत बढ़िया तरीके से बांधी हुई है और अब की बार हरियाणा में कचरा भी नहीं रहेगा। ये जो बात है और उसके बाद अगर हरियाणा में ये सरकार आती है तो जो हमारे वहाँ के स्कूल हैं जैसे और जो वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य का जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली मॉडल है वही गवर्नेंस हमारे पंजाब में होने जा रही है और उसका असर हमारे हरियाणा में भी देखने को मिला है और हरियाणा भी उसी के तर्ज पर उनकी नीतियों को अपनाएगा।